यूएवी को मार गिराया है। यूक्रेनी कामिकेज यूएवी को हवा में किया गया है तबाह। रूस के एक टावर पर तैनात था एयर डिफेंस सिस्टम पंतशिर। ये देखिए तस्वीरें, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। रूस ने तैनात किया है एयर डिफेंस सिस्टम सीम। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सीमा पर बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। यूक्रेन के हवाई हमले लगातार रूस नाकाम कर रहा है, ज्यादातर हमले नाकाम किए जा रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट कर हवा में ही इन्हें नष्ट कर दिया जा रहा है। रूस के महत्वपूर्ण ठिकाने यूक्रेनी हमलों से यही वजह है कि अब तक सुरक्षित हैं, लेकिन आगे भी क्या सुरक्षित रहेंगे ये कोई नहीं जानता। अब हम आपको पुतिन के SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे पंतशिर भी कहा जाता है, उसके बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आखिर यह हथियार कैसे वॉर जोन का बड़ा खिलाड़ी है, क्या है इसकी खासियत। आइए आपको बताते हैं। रूस का पंतशिर मिसाइल सिस्टम सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है। सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है ये। 4 से 6 सेकंड में अपने टारगेट को तबाह करने का मादा रखता है। 15 से 75 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी ये पूरी तरह कारगर है। तो ये है रूस की बड़ी ताकत। और एक और अहम खबर है, रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने कर दिया है हमला। बेलगोरोद के रिहायशी इलाकों पर किया गया है हमला। यूक्रेनी हमले में कई इमारतों को नुकसान की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन बॉर्डर से सटा यह इलाका यूक्रेन के टारगेट पर है, निशाने पर है लगातार। कुर्स्क में हमले के बाद इतना तो तय हो गया है कि रूस की जमीन जितनी जलेगी पुतिन पर उतना ही दबाव बनेगा। यही वजह है कि कुर्स्क के बाद बेलगोरोद, वोरोनिश और रोस्तोव जैसे रूसी इलाकों में भी यूक्रेनी सैनिकों ने धावा बोल दिया। रूस के भीतर घुसकर हमले के बाद अब ज़ेलेंस्की नाटो से रूस के भीतर लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मांग रहे हैं। यानी अब तक जहां यूक्रेनी फौज पहुंच सकी है वहां से 300 किलोमीटर दूर तक रूस के शहरों को दहलाया जा सके। ज़ेलेंस्की रूस में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की इजाजत मांग रहे हैं। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो से रूसी जमीन पर हमले करने की छूट नहीं दी। क्रीमिया पर हालांकि कई बार स्टॉर्म शैडो से हमला किया जा चुका है। रूस के शहरों में यूक्रेनी फौज के घुसने के बाद नाटो को एहसास हो चुका है कि पुतिन को इसी रणनीति से झुकाया जा सकता है। पुतिन पर दबाव की वजह सिर्फ रूसी सेना की नाकामी नहीं, अब रूस में पुतिन की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुतिन के विरोधी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। रूसी शहरों पर हमले से पुतिन के दामन पर नाकामी के दाग लग रहे हैं। कुछ विदेशी एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि कुर्स्क की वजह से पुतिन की हत्या भी की जा सकती है। अब अगर कुर्स्क पर हमले में रूस के भीतर इतनी हलचल है तो सोचिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों पर हमले हुए तो क्या होगा। पुतिन को झुकाने के लिए यूक्रेन और नाटो अब अगली रणनीति बना रहे हैं, जिसके तहत मॉस्को पर यूक्रेन का हमला हो सकता है, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले की योजना बन रही, नाटो से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार मिल सकते हैं, यूक्रेनी सेना के लिए मॉस्को तक पहुंचना मुमकिन नहीं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन दिए जा सकते हैं। नाटो को यकीन है कि अगर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर लगातार हमले हुए तो पुतिन समझौते के टेबल पर आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि यूक्रेन रूस के बड़े शहरों पर भी हमले कर सके। यूक्रेन ने खुद जेट इंजन वाले ड्रोन तैयार कर लिए हैं। यूक्रेन को नाटो देशों से भी कई ड्रोन मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।